साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों आज हम एक स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके पॉकेट के ऊपर होगा। ऐसे कैसे पॉकेट पे ऊपर होगा तो हम बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना है, नहीं म्यूचुअल फंड करना है, कहीं पे एफडी नहीं रखना है, फिर भी आपकी जो पैसे की इनकम आ रही है उसके ऊपर इजाफा हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ नहीं करना है आज की स्कीम के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप बोले तो एक ऐसी स्कीम, तो चलो दोस्तों आज देखते हैं कि क्या है इस स्कीम के अंदर कुछ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको कहाँ लगाना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करें तो आप मेरा सबका जनरली बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। किसी के अकाउंट में 20,000 रुपये रहते हैं, किसी के अकाउंट में 50,000 रुपये रहते हैं, किसी के अकाउंट में 1,00,000 रुपये रहते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे सबके अकाउंट में रहते हैं। तो हम बात करें तो सेविंग अकाउंट में बैंक आपको कितना पैसा देता है यानी कि इंटरेस्ट, बैंक आपको 2 से 2.5% आपको इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे। ये नोट करने वाली बात है, 2 से 2.5% मतलब मानो कि 1,00,000 रुपये आपका पड़ा है सेविंग अकाउंट में तो पूरा साल में आपको खाली 2,000 रुपया ही मिलेगा, 2,000 रुपया ब्याज के तौर पे मिलेगा, खाली 2,000 रुपया। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसका नहीं एफडी नहीं करा ले, एफडी कराने में समस्या आ जाएगी। एफडी करा लेंगे तो फिर एफडी तोड़ेंगे कैसे? आप अगर पैसे की ज़रूरत है, मानो कि 1,00,000 रुपया पड़ा है उसके हम एफडी करा लेते हैं तो एफडी तोड़ेंगे कैसे फिर? तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसके लिए हम स्कीम आपको दिखाने वाले हैं। जनरली एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6 से 8% होता है यानी कि 1,00,000 पे आपको 8,000 जितना इंटरेस्ट सालाना मिलता है। वहीं अगर आप सेविंग में पैसा पड़ा रहता है तो सेविंग में खाली 2,000 रुपया मिलता है यानी कि आपको टोटल 5 से 6% का लॉस होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बैंक में जाना है और यहाँ पे बोलना है मुझे ऑटो एफडी करवानी है या फिर फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट करवानी है या फिर सुपर सेविंग अकाउंट में मेरा अकाउंट कन्वर्ट कर दीजिए या फिर ऐसी ऑटो स्वीप अकाउंट में मेरा अकाउंट कन्वर्ट कर दीजिए। आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये जनरली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हर एक बैंक में ये टाइप की स्कीम है, उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि ये बैंक में ये नाम है, दूसरे बैंक में दूसरा नाम है। हमें क्या करना है, हमें सिंपल हमारे सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस रहता है उसको हमें ऑटो स्वीप के लिए अप्लाई कर देना है। सिंपल हमें बैंक में जाना है और बोलना है मेरा अकाउंट ऐसा कर दो कि ऑटोमेटिक एफडी बन जाए और ऑटोमेटिक एफडी ब्रेक हो जाए। अभी समझो कंसेप्ट को क्या है, 1,00,000 आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो आप अगर ऑटो स्वीप करवाते हो तो ऑटोमेटिक वो 1,00,000 रुपया एफडी में चला जाएगा। आपको नहीं फॉर्म भरना है, चेक देना, कुछ नहीं करना है। अभी मानो कि 15-20 दिन 25 दिन महीना पैसा पड़ा रहा और फिर आपको ज़रूरत है तो आप निकाल दो तो उतने दिन जो पैसा पड़ा रहा उसका आपको इंटरेस्ट एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस दोस्तों ये स्कीम को बहुत सारे बैंकों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे SBI में हम बात करें तो यहाँ पे आपको जाके बोलना है मेरा अकाउंट सेविंग प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए तो SBI का हो गया। अभी मानो कि हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको बोलना है मेरा अकाउंट ऑटो स्वीप करवा दीजिए तो वहाँ पे ऑटो स्वीप आपका अकाउंट कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं ICICI बैंक की, वहाँ पे उसका नाम है फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट। अगर आप बोलेंगे मेरा अकाउंट फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए तो वहाँ पे वो लोग आपका अकाउंट फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो आप बोलेंगे मेरा अकाउंट सुपर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए तो फिर आपका अकाउंट सुपर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो बैलेंस पड़ी रहती है उसमें आपको एफडी का रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों है ना कमाल की स्कीम, कुछ नहीं करना है, आपका जो बैलेंस पड़ा रहेगा वह तो वही रहेगा ही लेकिन उसके ऊपर एफडी का रेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलो जय हिंद जय भारत।